था बजाज के पास फेयरिंग वाले ऑप्शन में सबसे सस्ती और बेस्ट मोस्ट पॉपुलर बाइक थी बजाज की डिस्कवर 150F, जो कि मैंने भी काफ़ी चलाई है। उसके बाद फिर आपके पास पल्सर सीरीज में ही ऑप्शन थे जैसे 180F और 220F। तो बजाज की जो है 150F डिस्कवर की काफ़ी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन डिस्कवर की पूरी सीरीज को बजाज काफ़ी टाइम पहले इंडिया में डिसकंटिन्यू कर चुका है, ये आप लोगों को पता है। फिर वो चाहे 100 हो, 125 हो, 135 हो, 150 हो, 150F हो, कुछ भी हो, लेकिन अब बहुत जल्द बजाज के जो डिस्कवर लवर्स हैं उनके लिए खुशखबरी वाली बात है। 125 सीसी के सेगमेंट में बजाज फिर से अपनी डिस्कवर की एक मॉडल को उतारने वाला है, और ये अब की बार मॉडल होगा भाई फेयरिंग वाला। 150F की थीम पे ये मॉडल इंडियन मार्केट में बहुत जल्द उतारने वाला है बजाज, क्योंकि आप लोगों को पता है 125 सीसी के सेगमेंट में बजाज के पास दो ऑप्शन है स्पोर्ट्स नेक्ड में, बजाज की पल्सर 125 और NS 125। लेकिन आप लोगों को पता है 125 सीसी का जो मार्केट है यंगस्टर्स का मार्केट है और इंडिया में काफ़ी बूम पे चल रहा है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजाज एक नए कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है और वो होगी सेमी फेयरिंग वाली बाइक। तो उसी के बारे में अपन आज बात करेंगे, तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑल, ताकि इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कि क्या क्या सब कुछ जो है इस बाइक में नया होने वाला है। तो सबसे पहले बात करें इस बाइक के लुक्स के साथ, तो कहीं ना कहीं बजाज 150F की थीम से मिलता जुलता सेमी फेयरिंग वाला बाइक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बजाज जो 150F आती थी वो थोड़ी सी लंबी थी, उसकी सीट थोड़ी ज़्यादा लंबी थी, तो वैसा नहीं रखा जाएगा। बाइक थोड़ी 125 सीसी के हिसाब से कॉम्पैक्ट करी जाएगी, बट आपको यहाँ पे जो है फ्रंट में सेमी फेयरिंग जो है मास दिया जाएगा, जिसमें आपका टैंक हाफ कवर होगा। तो सेमी फेयरिंग वाला ये जो है मॉडल बजाज लॉन्च करने वाली है। पावर फीचर्स वगैरह की बात करें तो भाई वही आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें 12.5 पीएस की पावर देखने को मिलेगी और 10.5 एनएम का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलेगी, तो एक तरह से कह सकते हो एडवेंचर टूरर टाइप बाइक भी ये हो जाएगी और सिटी राइड के लिए भी आप जो है इसका यूज कर सकते हो। अब बात करें इसमें टायर वगैरह की, तो आपको फ्रंट और रियर में दोनों में आपको यहाँ पे ट्यूबलेस टायर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें भाई हेडलैम्प की, तो यहाँ पे आपको अब की बार हेलोजन हेडलैम्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि पहले जो 150F आती थी उसमें हेलोजन हेडलैम्प आता था, बट आपको यहाँ पे अब कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलेगा विद डीआरएस। तो डीआरएस भी एलईडी होंगे और आपका हेडलैम्प भी एलईडी होगा, बट अगर यहाँ पे इंडिकेटर्स की बात करें तो वही नॉर्मल बल्ब टाइप इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। बाकी यहाँ पे अगर अपन बात करें भाई ब्रेकिंग सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको सिंगल डिस्क वाले ऑप्शन के साथ ये बाइक देखने को मिलेगी, जिसमें फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिया जाएगा, रियर में आपको जो है वही नॉर्मल ड्रम ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद बात करें यहाँ पे डिजिटल मीटर कंसोल की, तो अब की बार आपको फुल्ली डिजिटल मीटर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, क्योंकि एनालॉग वाले मीटर मोस्टली आजकल कंपनीज अपनी बाइक में लॉन्च नहीं करती है। 110 सीसी में लोग स्मार्ट फीचर्स के साथ जो है बाइक लॉन्च कर रही है कंपनियां, तो 125 सीसी में तो आपको कंप्लीट डिजिटल मीटर कंसोल यहां पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। फिर वो चाहे टैकोमीटर हो, आपका ऑडोमीटर हो, सब कुछ कंप्लीट यहां पे डिजिटल होने वाला है। बाइक के लुक्स 150F से मिलते जुलते रहने वाले हैं, लेकिन वो थोड़ी कम्यूटर प्लस एक टूरिंग पर्पस के लिए वो बाइक बनाई गई थी, इसको आपको सिटी राइड के लिए और टूरिंग राइड के लिए दोनों के लिए बनाया जाएगा, बट थोड़ी कॉम्पैक्ट रहेगी ये, थोड़ा इंजन का साइज भी छोटा होगा, तो बाइक भी जो है छोटी हो जाएगी, टैंक साइज भी थोड़ा छोटा होगा। माइलेज की यहाँ पे बात करें तो अगर आप इसको इको मोड पे चलाओगे तो 55 से 60 का यहाँ पे आपको माइलेज इजिली ये निकाल के दे देगी। बाकी सीट हाइट वगैरह जो है बाइक की ठीक ठाक रहेगी, ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा मिलेगा, तो आप इससे नॉर्मल टूरिंग भी कर सकते हो, आसपास की राइड कर सकते हो, बाकी सिटी पर्पस के तो आपके जो है सारे काम ये सॉल्व कर ही देगी। इन दी एंड बात कर लेते हैं कब लॉन्च होगी और क्या प्राइस इसकी रहने वाली है। इसकी जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 95,000 से 1 लाख के बीच में रहने वाली है ऑन रोड इंडिया में। और लॉन्चिंग की बात करें तो अभी बजाज की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये है कि ये बाइक लॉन्च तो होगी बहुत जल्द और आने वाले 1 साल में आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो 2023 मिड तक मान लीजिए आप लोगों के पास ये इंडियन मार्केट में बाइक अवेलेबल हो पाएगी, मई तक या फिर अप्रैल मई के बीच में ही ये बाइक जो है इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो पाएगी। तो यार 150F के आप कितने बड़े फैन थे और 125F के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट जरूर करके बताना, और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वियर अ गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।